अल्हम्दुलिल्लाह में आप सबको वेलकम कहती हूँ। बचना है तो जिस तरह की एक्सरसाइज मैं कर रही थी, पूरा दिन बहुत ही खुशगवार गुजरता है। इसकी जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। इसका मैं पुदीने में खुद कफील हो जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज मैंने बहुत सारा काम, मैं ग्रीन स्पाइसेस यानी के सब मसाला जात, जिसमें से इसकी मशीन चल रही है तो हम पानी इसमें डालना बंद कर दे, डालना है इसमें पानी का एक ड्रॉप भी। ग्रीन स्पाइसेस में जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, ग्रीन पक रही है कचनार, से महफूज करके रखना है रमजानुल मुबारक के लिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह में आप सबको वेलकम कहती हूँ। अगर किसी ने अपनी लेग्स को बारीक करना है यानी कि पतला करना है, मोटापे से बचना है, तो जिस तरह की एक्सरसाइज मैं कर रही थी, इस तरह से एक्सरसाइज कर लिया करें। चेयर पर बैठकर बहुत आसानी से एक्सरसाइज हो सकती है। और जी आपको जैसा कि मालूम ही है कि मैं अपने व्लॉग का आगाज़ अपने गार्डन से करती हूँ। गार्डन का काम करने से मुझे एनर्जी मिलती है और इस तरह से पूरा दिन बहुत ही खुशगवार गुजरता है। ग्रीन ग्रीन गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि आज सारा काम ही ग्रीन है, यानी जो इंडोर काम होने वाले हैं वो भी ग्रीन ग्रीन ही है। आज भी मैंने गार्डन में एक दो काम नए किए हैं। एक तो मैंने उस रैबिट में एक नया प्लांट लगा दिया, और दूसरा मेरे पास एक मकरामा था, उस मकरामे को काट कर मैंने उसे एक नई लुक दे दी है, वो आपके सामने है। अभी इसे मज़ीद इसके ऊपर काम होगा। और तीसरा, वो सामने आपको ग्रीन कलर्स की बॉटल्स नज़र आ रही होंगी, उनमें भी प्लांट्स लगाए हैं। और साथ में ये बॉटल है, ये सॉरी गिलास है, इसमें पुदीना रख रखा है और इसकी जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। इसको ज़मीन में लगाना है, ये अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर होगा। और जैसा कि मैंने आज बहुत सारा पुदीना लेकर उसे तैयार करने के लिए रखा है कि रमज़ान शरीफ के लिए पीस कर रखना है, तो जो डंडियां थी वो देखिए जी, ये देखिए बंडल ऑफ डंडियां, और ये देखिए बहुत सारी डंडियां। और मैंने मग में ना थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से रख दी हैं, जैसे ही इसकी वाइट वाइट सी रूट्स निकल आएंगी तो इसे ज़मीन में लगा दूंगी। और इस तरह मैं पुदीने में खुद कफ़ील हो जाऊंगी, यानी कि मेरे किचन गार्डन में पुदीना ही पुदीना नजर आएगा। गार्डन विच कम करते हो, यकीन करो दिल नहीं करता है कि बंदा अंदर जाके बैठ जाए, और बहुत ही दिल खुश होता है, बस दिल करता है इधर ही बैठी रहूं। और आजकल तो नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए जी अब चलते हैं अंदर। और यहाँ मैं टेबल को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज मैंने बहुत सारा काम करना है और वो सारा काम आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि मैं रमज़ान शरीफ की तैयारी में अब मैंने स्टार्ट कर ली है। और ये हैं जी कुछ चीज़ें। आज मैं ग्रीन स्पाइसेस यानी के सब मसाला जात, जिसमें मतलब पुदीना, धनिया, पालक, लेमन्स, और इसके अलावा लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गिनी जाती हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्पाइसेस आपके साथ शेयर करूंगी कि इनको किस तरह से महफूज करके रखना है रमज़ानुल मुबारक के लिए। सबसे पहले जी पुदीना, पुदीने को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, डंडियाँ अलग कर दी थी, अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर पर इसे इस तरह से लगा दिया ताकि इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा उतर जाए, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा पानी में नहीं पीसना। और उसके साथ जी सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, उनकी डंडियाँ अलग कर लूँगी। और एक मतलब और साथ में मैंने लेमन्स को भी वॉश कर लिया है, एक एक्स्ट्रा टिश्यू लेके इन सब के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी ताकि इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। लेमन्स को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, इसके अंदर बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और जी इसके नाल नाल आपको जो ये सब्ज़ मिर्चें नज़र आ रही हैं, इनकी डंडियां वगैरह हटा दी हैं और इन्हें भी मैंने छोटा छोटा करके पीस लिया। इस तरह करने से ये बहुत अच्छी तरह से पीस जाएंगी। अब जी मैंने पुदीने को बहुत ही कम पानी में पीसा है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर हम पीसते चले जाएंगे। और जैसे ही हमें लगे कि अब आसानी से इसकी मशीन चल रही है तो हम पानी इसमें डालना बंद कर देंगे। जी यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि पुदीने को साफ़ करते वक्त उसमें एक पत्ता भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह जी हम वहाँ लेमन जूस को भी डाल देंगे, और जैसे ही इसके आइस क्यूब्स तैयार हो जाएंगे इन्हें हम जी जिप्लॉक बैग में डाल लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं दोबारा से आइस क्यूब्स लेमन जूस डाल दूंगी ताकि आइस क्यूब्स बन सकें।
तो मेरे पास आइस क्यूब्स कंटेनर ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा थोड़ा करके ये काम करना पड़ेगा, यानी रोज़ाना के हिसाब से दो तीन करके मैं इस तरह से बना के रख लूँगी। इस तरह के छोटे छोटे काम जो कि बहुत ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं कभी कभी, तो हमें रमज़ान मुबारक से पहले ही करके रख लेने चाहिए। और अब बारी आती है जी लहसुन और अदरक पेस्ट की, तो इसके लिए एक ख़ास तरीका है जो कि हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने लगे तो हमने इसमें ऑयल डालना है, इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए। ऑयल कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जी हम इसमें घी या फिर देसी घी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। ये देखिए जी, ये भी तैयार हो गया, अच्छे से पिस गया है। और अगर अदरक का पेस्ट अलग रखना चाहें तो अलग रख सकते हैं, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट अलग अलग कंटेनर्स में बनाकर डालना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन इस बार मैंने इकट्ठे डाला है, लास्ट ईयर मैंने अलग अलग बना कर रखा था। तो यहाँ पर आज मैं पालक और धनिया की बात बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि पालक और धनिया ऑलरेडी मेरे किचन गार्डन में बहुत ज़्यादा मिकदार में लगा हुआ है, उगा हुआ है, तो मैं फ्रेश वाला ही यूज़ करूँगी। तो ये है जी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ मिर्च को भी अच्छी तरह से पीसा है और ऑयल डालकर ही पीसा है, इसमें भी पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मेरे ग्रीन स्पाइसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मतलब इसके अलावा जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं वो अलग से मैं शेयर करूंगी, और उसके अलावा और जो जो चीज़ें होंगी वो अलग से होंगी। तो ग्रीन स्पाइसेस में जी हमारी ग्रीन ग्रीन सब्जियां भी हो सकती हैं, इसमें हमारे यानी चने छोले बीन्स वगैरह भी हो सकते हैं, और लेमन जूस, और जी पुदीना, और ये टमाटर, टमाटर जो हैं ये मैंने बहुत कम मिकदार में अभी आपके सामने दिखाए हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास पहले से फ्रीज करके रखे हुए हैं। और ये पालक है जी, पालक भी दिखा दी है मैंने, लेकिन पालक मैं हाँ फ्रेश वाली ही यूज़ करूँगी। और ये है जी सब्ज़ मिर्च, और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में ये एक नन्नी मुन्नी सी पुड़िया है, इसमें जी है मतलब मेथी। तो मेरे पास फ्रीज़र में मतलब शिमला मिर्च भी रखी हुई है, और इसके अलावा बहुत सारी सब्जियाँ भी फ्रीज करके रखी हुई हैं। तो ग्रीन स्पाइसेस में जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि धनिया और उसके अलावा जो है पालक, वो मैं फ्रेश वाली ही यूज़ करूँगी। तो आज मेरे किचन में जी ग्रीन ग्रीन पक रही है कचनार, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है। कचनार को मैंने फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि मुझे फ्रीज़ की हुई कचनार बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये जैसे ही फ्रेश आती है तभी पका ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है, अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए ये ग्रीन स्पाइसेस का मेरा पहला व्लॉग है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि हम पहले से रमज़ान मुबारक के लिए करके रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इस तरह करने से हमारे बहुत ज़्यादा टाइम की बचत होती है, इबादत का ज़्यादा टाइम मिलता है। इसके अलावा जी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि महफूज की जाएंगी अगले व्लॉग्स में, और आपके साथ मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये था जी मेरा बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।